लद्दाख, यहाँ जाना मेरा एक ड्रीम था जो कि मैंने पूरा किया। जब मैं इस ट्रिप पर निकला तो मैंने कुछ भी प्लानिंग नहीं करी थी कि कैसे जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा, पर मैं निकल गया। मैंने अपना बैग उठाया, कपड़े पैक करे और निकल गया नए रास्तों पर, नई मंजिलों की ओर, नए दोस्त बनाने। इस ट्रिप पर मुझे बहुत से लोग मिले, जिसमें से मैंने अपने बहुत से अच्छे दोस्त भी बनाए, काफ़ी अच्छे दोस्त बनाए। मतलब सोलो ट्रिप करके बिना ये ट्रिप मेरा सोलो ट्रिप नहीं था। तो मेरी इस एडवेंचरस जर्नी को देखने के लिए क्या आप तैयार हैं? हेलो गाइस, तो हो चुकी है नए सफ़र की शुरुआत। ये मेरा पहला सोलो ट्रैवल है, तो हम जा रहे हैं लद्दाख। तो दोस्तों, बस हमारी आ चुकी है चंडीगढ़ जाने वाली। आप देख सकते हैं यहाँ पर चंडीगढ़ दिल्ली बल्लभगढ़ से आ रही है ये, और ये फरीदाबाद का बस स्टैंड है। तो आज इसी में जाएंगे, हमारी जर्नी इसी में रहेगी। तो भाई, पहुंच गया था मैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ से 10 किलोमीटर पहले जीरकपुर है, वहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। तो मैं हूँ चंडीगढ़ बस स्टैंड 43 सेक्टर। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक बस खड़ी हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक बस भी स्टार्ट कर दी है, तो जो सिटी में चलती है। आप देख सकते हैं पीछे चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं। चलो आपको दिखाता हूँ कि कितना पावर ये कंज्यूम करता है और कितनी देर में चार्ज होता है और क्या रेंज मिलती है। तो ये बस है, देख सकते हैं, अशोक लेलैंड की बस है ये, जो कि इलेक्ट्रिक है और मतलब सिटी में ही चलती है ये वाली बस। और ये पीछे इसकी चार्जिंग हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चंडीगढ़ का आर्ट वर्क बना हुआ है और ये यहाँ पर इसका चार्जिंग स्टेशन है, जो कि यहाँ पे चार्ज हो रही है इस तरीके से। और यहाँ पर इसकी पूरी रीडिंग आती है। तो हमारे पास यहाँ बस के कैप्टन भी हैं। तो सर, एक बात बताइए, क्या कितनी देर में चार्ज हो जाती है ये? सर, ये 1.5 घंटे में 100% हो जाती है। 1.5 घंटे में 100% हो जाती है। और कितनी रेंज देती है एक बार चार्ज होने के बाद? 250 किलोमीटर। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ तक चलती है बस? चंडीगढ़ सिटी में चलती है। चंडीगढ़ सिटी में चलती है। चलिए, थैंक यू। और पावर कैसी है इसकी? बहुत बढ़िया पिकअप है। अच्छा, एक बार आपको अंदर से भी दिखा दूं उसकी कि किस टाइप से इन्होंने इलेक्ट्रिक बस है ये। तो इस टाइप का ये बस है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये मतलब वही जो अपने दिल्ली में चलती है वैसे ही सारी बस, मतलब इसमें जो सीट लगी हुई है देख सकते हैं। स्टॉप का बटन भी है इधर, ये कैप्टन का पूरा यहाँ पे कंट्रोल है। और बात करें इधर, सारा इलेक्ट्रिक वाला ही है सब कुछ, सही है ना? तो ये बस स्टार्ट हो चुकी है और देखिए, कोई नॉइस नहीं, कोई कुछ नहीं। चंडीगढ़ बस स्टैंड पर और या पूरे पूरे चंडीगढ़ सिटी के अंदर आपको इस तरीके से इलेक्ट्रिक बाइक भी मिल जाती है, जो आप मतलब ये कोड स्कैन करके, ये वाली ऐप डालनी पड़ेगी आपको स्मार्ट बाइक, और ये कोड स्कैन करेंगे तो आप इस बाइक को ले जा सकते हैं और किसी दूसरे पॉइंट पर इसको छोड़ सकते हैं। इसके बस के फेयर की बात करें तो ये फर्स्ट 30 मिनट तक 10 रुपये फेयर है, फिर अगले 30 मिनट तक अगर आप और बढ़ाएंगे तो 10 रुपये और ऐड होते चले जाएंगे। तो इस टाइप से ये वर्क करता है, देख ही सकते हैं। तो हमारी बस ये है और हम यहाँ से जा रहे हैं सेक्टर 43 चंडीगढ़ से भुंतर तक।
और भुंतर से हम फिर आगे निकलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारी सीट हो जाएगी, इसके अंदर अपन यहाँ बैठेंगे। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर। तो भाई अभी मंडी से निकले और यहाँ पे हमें एक जाम मिल गया है, देख सकते हैं कितना लंबा जाम लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे इतनी बढ़िया सुंदर सी नदी बह रही है, और यहाँ पर हमारी बस खड़ी है ये, और यहाँ पर सब हल्के हो रहे हैं। जाम बढ़ता ही जा रहा है, पीछे भी जाम बढ़ गया, देखो कितना जाम बढ़ गया है। और ये देखो ऊपर कितना लंबा पहाड़ है। ओ, सब भागने लगे, जाम खुल गया। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना। तो भाई उतर गए हैं भुंतर में, तो ये पुल क्रॉस करते ही भाई क्या नजारा है। भाई भुंतर का ये गुरुद्वारा है जिसमें मैं आज रुकूंगा, और हमने यहाँ पे रूम लिया है ओनली 200 रुपीज़ पर नाइट। ये उसकी चाबी है, 135 इसका नंबर है, देखते हैं कहाँ पर अपना। तो भाई ये है जहाँ पे हमें रूम मिला है, ये एरिया, और हमें जो रूम मिला है वो है 135। आपको एक बार रूम दिखाऊँ, तो इस टाइप से रूम है ये, देखो दो बेड डले हुए हैं। बढ़िया है यार, मतलब सही है। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर अगर मगर।